उनको प्रैक्टिस कीजिए जितने भी वहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं प्लीज़ तो एक ना एक जितने भी वीडियोस हैं वो सारे लिंक होते हैं ठीक है तो अब हम एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हम कौन वाले करेंगे अब ठीक है तो कौन सा जो जोकर का जो कैप होता है बर्थडे कैप होते हैं यानी कि सॉफ्टी जो होता है वो उनको हम कौन कहेंगे तो वैसे वाले हम क्वेश्चन करेंगे आज तो हमारा क्वेश्चन है ओके तो मैं पढ़ लेता हूँ जैसे हमने प्रीवियस वीडियोज में किया था आज मैं वही वही करूँगा तो आपको निकालना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन यहाँ खिते ना कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन नो कहाँ नीतना कोई डाया मीटर वो टेन पॉइंट uh, सेंटीमीटर दुगले एंड स्लांट हाइट बो 10 सेंटीमीटर दुखले ठीक है डायमीटर वो है डायमीटर वो खिड़ते ना दुगले सॉरी सॉल्यूशन डायमीटर है ले 10.5 10.5 सेंटीमीटर इस डायमीटर ले ठीक है और uh, जो होके टेन पॉइंट यानी कि इसको हम जब रेडियस निकालेंगे दैट विल बी द हाफ ऑफ इट टेन पॉइंट फाइव बाई टू विच इज टू फाइव टेन टोर टू फाइव टेन इज सेंटीमीटर फाइव पॉइंट टू फाइव वुड बी द रेडियस ऑफ दिस डायमीटर ठीक है तेज थिंग ने स्लांट हाइट स्लां हाइट द स्लांट हाइट was 10 सेंटीमीटर ओके okay, आपने निकालना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन विच इज पाई आर एल एल इज स्लान हाइट इफ दिस इज ए कोन ये एक कोन है तो उस कोन में आ, मतलब ये वाला ये वाला जो साइड है उसको हम स्लांट हाइट कहते हैं ठीक है के एंड दिस वुड बी द वर्टिकल हाइट दिस वुड बी द वर्टिकल हाइट दिस दिस वुड बी द वर्टिकल हाइट ठीक है ना ओके ओके डन सो गव सर्फेस एरिया ऑफ द खोन पाई आर एल पाई आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो आप क्या लोगे ट्वेंटी टू अपॉन सेवन रेडियस इज योअर फाइव पॉइंट टू फाइव हाइट इज योअर टेन मल्टीप्लाइड फाइव टू फाइव डिसमेल हटा के नीचे हंड्रेड बिकॉज दिस इज दिस इज हंड्रेड सो नीचे आएगा हंड्रेड इंटू टेन टेन वन जन टेन टेन जन्ड्रेड फाइव से करेंगे फाइव टू जेन फाइव वन ज फाइव जीरो फाइव फाइव जवेंटी फाइव एंड देन सेवन वन जा सेवन सेवन वन जैन सेवन फाइव जटी फाइव

We have a conical tent, a tent hai, which is in the shape of cone. This is a conical tent. Just a height, whose height is 10 meters. And the base radius is this. Base radius is 24 meter.

एंड बेस रेडियस वाला ले बेस रेडियस इज ट्वेंटी फोर मीटर आप स्लान्ट हमें चाहिए क्योंकि हमें बाहर बाहर से चाहिए तो हमें स्लांट हाइट चाहिए ये वाला पोर्शन चाहिए विच वी डोंट है हमारे पास नहीं है तो आता मेथ पास संगते प्रीवियस वीडियोज नाती फॉर्मूला तो आपने क्या करना है एल स्क्र इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्र

ट्वेंटी सिक्स का होल एंड रूट कैंसल ट्वेंटी सिक्स मीटर स्लॉट हाइटा कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कौन सुनता ना पाई आर एल ट्वेंटी टू अपॉन सेवन अगेन क्योंकि क्वेश्चन पे दे नहीं रखा है रेडियस आपका है ट्वेंटी फोर बेस रेडियस

उसको द कॉस्ट ऑफ द कैनवास फॉर वन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू रुपीज सेवेंटी यानी सेवेंटी के साथ इसके जो आंसर है उसको आपने मल्टीप्लाइड करना है वंस द यू विल मल्टीप्लाइड इट यू विल गेट द आंसर इन रूपीज ओके आई एम कीपिंग अप कीपिंग इट हियर हां यहां पे मैं रख रहा हूं प्लीज डू प्रैक्टिस इट एंड रेस्ट अदर क्वेश्चन यू हैव टू प्रैक्टिस इट टू ओके दो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने कहा था सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव टू सी हियर क्वेश्चन कह रहा है कि यू हैव ए राइट सर्कुलर कोन आपके पास एक राइट सर्कुलर कोन है सॉरी दिस इज अ कौन दिस इज कॉल सॉरी दिस मन इज कॉल राइट सर्कुलर

तरह, इसी तरह सेम इ सोला तरुण केप कैप सॉरी तरुण कैपन सेम इतना रेडियस ना हाइट सिमिलर क्वेश्चन जो पहले हमने क्वेश्चन किया था वैसे ही है ठीक है अगर क्वेश्चन समझ नहीं आया तो दोबारा एक्सरसाइज में जाके क्वेश्चन देखिएगा यू हैव टू मेक ए जोकर केव जोकर जोकर वो जो कैप है विच इज ए राइट सर्कुलर कोन शेप ना ठीक है ना तो आपको वैसा बनाना है प्लीज डू प्रैक्टिस इट मेक इट एट योर होम एंड ये क्वेश्चन सॉल्व करिएगा सो वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ दिस इज द एक्सरसाइज ऑफ द स्फेयर अब हम आप स्फेयर की बात करेंगे स्फेयर में सो द क्वेश्चन सेज फाइंड द स्फेयर ऑफ ए फाइंड दिस सरफेस एरिया ऑफ ए इफेयर आपको स्फेयर का सरफेस एरिया निकालना है उसमें डायमीटर भी दिया होगा मतलब क्वेश्चन में डायमीटर्स होंगे तो आपको उसको हाफ रेडियस से निकालना है उसका रेडियस हाफ करके निकालना है अगर रेडियस होगा तो वैसे ही रखना है ठीक है वो प्लीज ध्यान देके क्वेश्चन को पढ़िएगा कि डायमीटर दिया है कि रेडियस दिया हुआ है ठीक है तो मैं पहले करता हूं रेडियस में सरफेस एरिया सरफेस एरिया ऑफ ए एसफेयर जो कि है क्या है फोर पाई आन स्क्वेयर ठीक है ओके सो द रेडियस इज द रेडियस इज 5.6 सेंटीमीटर ठीक है ओके okay. तो क्या करोगे आप फोर by 22 upon 7 then radius that is 5.6 into 5.6 because r ka square hai theek okay. hai that is 4 into 22 upon 7 that is 56 by 10 decimal ko hata ke 56 by 10 decimal bothente no hai because just write uh, in front of point po kitna tha 10th part ko jano pa te ya the decimal thena chik tene aata 56 upon 10 hai usno hai फिफ्टी सिक्स जो टेन आया है जस्ट राइट डिसिमल के सामने वाले को हम टेंथ कहते हैं ओके सेवन वन जो सेवन सेवन एट फिफ्टी सिक्स टू फाइव जा टेन टू फोर जा एट टू टू जा फोर

सोलह टेवन इन टेन एंड सेवन सिक्स बाई ट्वेंटी फाइव यू हैव टू नंबर सो वंस डिवाइड जब आप इस नंबर को इससे डिवाइड करोगे यू विल फाइंड आउट दी सरफेस एरिया ऑफ द स्पेयर so please do that one okay so the next question is the find the radius uh, find the radius of a sphere whose uh, surface area is ठीक मिला ले या क्वेश्चन वहाँ पे होगा find the diameter of a sphere whose surface area is तो so, हम we'll radius निकालेंगे तो क्वेश्चन है you have to find the radius यानी कि सरफेस एरिया हमारे पास है सरफेस एरिया ऑफ ए स्पेर जो पहले से निकला हुआ टोल्ड यू ऑलरेडी नाम जिंगाता ऑलरेडी आंसर वो डो तो किसी भी मतलब का वे फॉर्मूला जिंगाता आंसर जिंगान ला बिंग के तो पहले से आंसर निकल रखा हुआ तो आपको पता करना है कि मतलब जब उसका ऑलरेडी आंसर निकल चुका है तो आपको पता करना है कि वहां पे कौन सा वो फॉर्मूला आएगा उसके बिहाफ पे आप उसका हाइट निकाल सकते हो रेडियस निकाल सकते हो या रेडियस निकलने के बाद आप उसका डायमीटर करोगे ठीक है डबल ऑफ इट तो सरफेस एरिया ऑफ द स्पेयर है हमारा फोर पाई आर स्क्वायर वन जो ऑलरेडी निकल चुका है आंसर इज ऑलरेडी देयर एड इन क्वेश्चन ठीक है ना क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन में ही पहले से लिखा हुआ है कि सरफेस एरिया ये है तो वो बता रहा है कि वो पूछ रहा है हमसे कि मतलब ना टीस थे नो ताकि भी रेडियस पूछी इंडो है ताकि भी डायमीटर पूछी इंडो वो तो ना जो चुनो कि फोर इंटू ट्वेंटी टू अपॉन सेवन जो ना आर वो बोर्ड सुन? से सुनो वन फिफ्टी फोर समझो तेना आर स्क्वायर चुस्ते ना वन यू आम अच्छा अच्छे करे सिप्रोकल छो हाल हाल सेवन बो कितना तेना फोर इंटू ट्वेंटी टू सुनो समझो तेने इलेवेन टू जा ट्वेंटी टू इलेवेन वन जावेन इलेवेन फोर जा फोर्टी फोर समझ ले टू वन जा टू टू सेवेन जा फोर्टीन सा? तेरह तो सवेन सेंवेन जा फोर्टी नाइन बाय टू सारी नॉट टू फोर समझ ओके सो फोर्टी नाइन बाय फोर देन फोर्टी नाइन बाय फोर हम उसको रफ करेंगे दैट इज फोर फोर वन जा फोर नाइन फोर टू जा एट देन वन पॉइंट जीरो फोर टू जा एट एट देन ए टू लूज पॉइंट जीरो फाइव ट्वेंटी सो द आंसर इज 12.25 रेडियस ऑफ दिस सर्फेस एरिया ऑफ द स्पेयर का रेडियस ये है जब उसका ऑलरेडी मतलब सर्फेस एरिया स्पेयर पहले से निकल रखा है घुमाने so, भिंग नो घुमाने फिंग होते नो ये जाए कहते ना वही रेडियस पर फिंग तखाचीना हाँ डायमीटर जो थी क्या तेज अन्य डबल ऑफ इट चप चुचेसले ची रेडियस वो बिंगना जो रेडियस निकलेगा आप उसको डबल कर लीजिए वो डायमीटर होगा उसका ओके सो द नेक्स्ट एक्सरसाइज एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन तो ए मैच बॉक्स मेजर्स फोर सेंटीमीटर इनटू टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर इनटू वन सेंटीमीटर व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ ए पैकेट कंटेनिंग ट्वेल्व सच बॉक्सेस ओके तो वी we... ओके okay. तो वी हैव ए क्यूबेडिकल मेजर हमारे पास एक क्यूबेटिकल मेजर है जो एक मैच बॉक्स है कावे खेतना मैच बॉक्स ही मैच बॉक्स से फोर सेंटीमीटर इंटू टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर इंटू वन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर खेतनाइट सौते नो वॉल्यूम वो ना पता रहो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबैट खेतना लम्बे के नो लेंथ इन ब्रेथ इन हाइट सो मत का वे लेंथ uh, वो खेतना इनोले लेंथ को कहते हैं हम फोर सेंटीमीटर दुगले एंड ब्रेथ का टू पॉइंट फाइव दुगले एंड हाइट कौन डेप्थ आ जाना डीप आ कहते हैं ना दुगले वन पॉइंट फाइव जिसे हम डेप्थ भी डीप मतलब हाइट को कहते हैं ठीक है तो आपको बिन निकालना है वॉल्यूम ऑफ ए मैच बॉक्स और जो आप वॉल्यूम निकालोगे लेंथ ब्रेड हाइट है ठीक है जो आप निकालोगे इसका जब निकालोगे वॉल्यूम निकालने के बाद वैसे ही सेम दिखने वाले और बारह हैं तो ऑल टुगेदर कितने हैं वॉल्यूम वो आपको बताना है बारह हैं और तो दैट इज फोर इंटू टू पॉइंट फाइव इंटू वन पॉइंट फाइव वेरी सिंपल एम कीपिंग इट अप हेयर मैं यहां पर रख रहा हूँ कीप इटिंग आई एम जस्ट कीपिंग इट ओके सो आप खुद करोगे प्लीज मल्टीप्लाइड कीजिएगा आफ्टर डूइंग इट जब वंस यू विल फाइंड द आंसर ऑफ एट तो उसको आपने खेरते नाम ट्वेल्व एम्पो मल्टीप्लाइड वुड बी द फाइनल आंसर ऑफ द ट्वेल्व मैच बॉक्सेस ओके then you get centimeter cube because one, two, three, you are multiplying three together that's why it is centimeter cube please i am keeping keeping it up here so please do it so the next question says a cubical vessel is 10 meter long we have a cubical vessel This is the base, okay. We have a cubical vessel. This vessel has 10 meter long. This is 10 meter long and 8 meter wide. The width is 8 meter. You have to tell ki matlab, aapko batana hai how deep it is. Like yahan se yahan tak. Matlab, how deep it is, matlab, how high it is or how deep it is. Okay. So, which can hold three hundred eighty meter cube of liquid? The liquid which can hold inside of this cuboid is three hundred and eighty meter, okay, cube. So, solution. Uh, the length is ten meter the width is 8 meter and the height or the depth that we don't know we don't know that in meters okay so uh, what is the volume volume of a vessel that is length breadth and height okay but it is already this is the formula वॉल्यूम ऑफ द वेल बट वॉल्यूम ऑफ द वेल घुमाडी निकला क्यूब ओके सो वट यू विल डू ना ले जो मैंने पहले कहा था पहले क्वेश्चन में पहले वीडियोज में भी सारे में मैंने कहा है ना जे स्पिन प्लीज नाम जी बिंग क्वेश्चन ते फॉर्मूले आंसर तीन आंसर, तो आंसर निकालना है। या उसका हाइट होगा लेंथ होगा हो मतलब रेडियस होगा डायमीटर होगा कुछ भी होगा वो आपको आराम से वहां से निकल जाएगा ठीक है ओ जाओ तो आप क्या करोगे लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल टू थ्री एटी मीटर क्यूब ठीक है तो लेंथ हमारे रेंग पास है टेन ब्रेथ हमारे पास है एट हाइट हमारे पास नहीं है दैट इज एटी तो वो हो गया हाइट इक्वल टू थ्री एटी अपॉन टेन एट एटी विच इज मल्टीप्लाई टू दिस ऑटोमेटिकली वो डिवाइड हो जाएगा जीरो कैंसिल्स सो उसके बाद हम क्या करेंगे वी विल डिवाइड इट ठीक है, देन सिक्स जो छोटा हो गया जीरो एट सेवन ज फिफ्टी सिक्स देन फोर पॉइंट इज ऑलरेडी हियर जीरो एट फाइव फोर्टी देन दैट्स वाज रफ सो वी विल से देयरफॉर हाइट इज इक्वल टू फोर पॉइंट सेवेन फाइव मीटर आंसर सो दिसट ऑफ कैन होल्ड थ्री हंड्रेड एट्टी मीटर ऑफ लिक्विड थ्री हंड्रेड एट्टी मीटर क्यूब ऑफ लिक्विड है सॉरी सो दीस वॉज द आंसर ऑफ दि क्वेस्टन तेनिकाने होप छियाँ खेतना पूरा चमचिक रिगार्डिंग दस सब एक्सरसाइज पूरा ना ढूंढ लगे इतना हाग होते प्लीज़ प्रैक्टिस जोस प्लीज़ प्रिपेयर जुक्स माने रंग प्रिपेयर जुक्स मतलब चीज हम हाग होते माँ फायदा क्यों से क्योंकि चीज लोप्स ना माने स्तंजिंग माने फाना ना हो हमेशा काम देता है तो प्लीज़ जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट है प्रॉब्लम होगा फ्लैश मेरा जो नंबर होते रहे स्क्रीन पे जो हमेशा स्क्रीन पे फ्लैश अप होते रहता है प्लीज़ वहाँ पे व्हाट्सअप करके आप पूछ लीजिए क्वेश्चन को या आप कॉल करके पूछ लीजिए मुझे ठीक है ना तब तक टेक केयर बाय